नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे कि लेज़र को किस तरह क्रिएट किया जाता है, किस तरह अल्टर किया जाता है और किस तरह हम उसको चेंजमेंट कर सकते हैं टैली के अंदर। तो देखिए दोस्तों, मैंने वैसे ही टैली में कंपनी बना रखी है वेद मिश्रा नाम की। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें कहाँ जाना है, गेटो टैली के अंदर, और यहाँ जाना है मास्टर्स के अंदर। मास्टर्स के अंदर लेजर्स बनते हैं आपके, और इसके अंदर अकाउंट इन्फो में जाएंगे हम। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, अकाउंट इन्फो खुलेगा। इसके अंदर जाना है लेजर्स के अंदर, यहाँ जाएंगे सिंगल लेजर्स के अंदर, यहाँ पर जाएंगे क्रिएट करने के लिए, क्रिएट पे जाते हैं। देखिए टैली के अंदर दो लेजर पहले से बने होते हैं, कैश और प्रिंटर। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने एक बार लेजर कोई बना लिया तो उसे दोबारा नहीं बना सकते आप, यानी एक बार बनाया हुआ लेजर दोबारा नहीं बनेगा टैली के अंदर। अब मान लेते हैं यहाँ पर यह सैलरी है, सैलरी पेड कर रहे हैं आप, तो सैलरी पे कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें। सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या खर्चा है, खर्चा कौन सा है, इनडायरेक्ट। पर इनडायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपके पास अमाउंट है तो डालेंगे, अगर आप पे कर रहे हैं तो उसका एक अमाउंट। और मान लेते हैं हमने 50,000 सैलरी पे करी है एम्प्लॉय को, तो ये हुआ हमारा खर्चा, खर्चा बढ़ गया तो DR हो गया। ठीक है, मान लेते हैं सैलरी अब आप रिसीव कर रहे हैं, मान लेते हैं सैलरी रिसीव नहीं, मान लेते हैं आप रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट पे कर रहे हैं तो ये भी एक्सपेंस है। मान लीजिए 10,000 का आपने क्या किया, रेंट पे कर दिया, तो ये भी खर्चा बढ़ गया। अब मान लेते हैं आपने बैंक में, आपके पास जैसे HDFC में हमारा खाता है, HDFC में आपका खाता है, तो ये क्या है, बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट जैसे डाला तो ये करंट एसेट, एसेट हो गया आपकी संपत्ति है, क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा क्या आपका, एसेट है। तो देखिए अकाउंट डिटेल में जो भी डिटेल्स है वो डालेंगे, जैसे मान लेते हैं अकाउंट नंबर ये डाल दिया हमने, IFC कोड जो भी है वो डाल देंगे, ब्रांच डाल देंगे, जो जो डिटेल्स है रिस्पेक्टिव जो मिलेगी आपको वो डालनी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ये अकाउंट में आपको ध्यान रखना। मान लेते हैं बैंक के अकाउंट के अंदर आपका 5,00,000 का अमाउंट है। देखिए दोस्तों, हमने इतने तीन लेजर बना लिए, इसको देखेंगे कहाँ, सब देखेंगे इसमें, क्रिएट में तो देख क्रिएट कर लिया हमने, डिस्प्ले में इसको क्या करेंगे देखेंगे। देखिए इतने लेजर्स आपने बना लिए, आप कहेंगे कैश और पेंडल का लेजर तो हमने बनाया नहीं, तो देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि कैश और पेंडल का लेजर आप पहले से ही बना होता टैली के अंदर। इसके अंदर मान लेते कुछ पेमेंट कर दिया हमने, और इसके अंदर कुछ लेजर्स को हमें डिलीट भी करना, तो कहाँ पर होगा, अल्टर में। मान लेते हैं कैश का बैलेंस डालना भूल गए हम, तो कैश का बैलेंस डाल दिया हमने 50,000। ये यहाँ पर काउंट टोटल भी होता रहेगा कि कितना आपने टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास, जैसे आपने 5,000 डाला, देखिए इतना टोटल आपके पास ये बैलेंस, ये सारी चीजें आ गई। हम मान लेते हैं अल्टर में तो हमने ये कर लिया कि चेंजमेंट कर लिया, अब डिलीट कैसे करेंगे। मान लेते हैं जो सैलरी वाला जो आपने बनाया था, ये आपने गलत बना दिया, ये सैलरी बनानी नहीं थी, ये आपने गलती से बना दिया, तो अगर इसको डिलीट करना है तो Alt+D करेंगे, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, अगर डिलीट करना चाहते हो तो यस दबाएंगे, अदरवाइज। तो देखिए डिलीट हो गया, यहाँ पर कितने लेजर बने, 4 लेजर बचे हमारे पास। हमने लेजर बनाया, इसका अमाउंट डाला, तो इसकी रिपोर्ट कहाँ पर देंगे, तो इसकी रिपोर्ट देखेंगे आप बैलेंस शीट में। देखिए एसेट और लाइबिलिटी, देखिए एसेट में कितना है, 5,50,000, और देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी में हमारे पास कोई आइटम नहीं है। एसेट में कितने कौन कौन से आइटम है, बैंक अकाउंट HDFC का 5,00,000, और कैश इन हैंड जो हमने 50,000 डाला, 10,000 का गैप कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेंट पेड नाम से रिकॉर्ड किया 10,000 का, ये यहाँ से हुआ, पीछे जाने के लिए इस गैप का यूज़ करेंगे। तो ये इसको हमें समझना भी है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये रहा दोस्तों लेजर्स के बारे में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आई होप दैट, थैंक्स।